तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ है। विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है। पत्रकारों को बैठक से बाहर करने के बाद हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ है। विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है। तो पत्रकारों को बैठक से बाहर करने के बाद हंगामा किया है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं, जहां आप देख सकते हैं कि नगर निगम की बोर्ड की बैठक चल रही थी। इस दौरान विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। तो आपको बता दें कि पत्रकारों को बैठक से बाहर करने के बाद विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हल्द्वानी से सहयोगी दीपक अधिकारी जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते विपक्षी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया? बताया जा रहा है कि जो पत्रकार आए थे उनको बाहर करने के बाद विपक्षी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज नगर निगम सभागार में एक आखिरी बैठक होनी थी, जिसको लेकर सभी पार्षद यहाँ मौके पर आए थे, जिसके बाद पार्षदों के द्वारा हंगामा भी कर दिया गया। यहाँ पे उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस प्रकार से नगर निगम द्वारा लगातार बड़ी बड़ी बातें की जा रही, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वो धरातल में कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार पार्षद 24 घंटे फील्ड में रहता है, 24 घंटे काम करता है, तो दिक्कतों का सामना पार्षदों को करना पड़ता है। वहीं पत्रकारों को भी जो बैठक थी उसमें से वहां से हटा दिया गया, जिसके बाद पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिला। उनका भी था, जब बैठक में बुलाना ही नहीं था तो क्यों यहाँ पे बुलाया गया। जी जी दीपक, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विपक्षी पार्षदों ने कई आरोप लगाए हैं क्षेत्र में विकास को लेकर। तो हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड की बैठक चल रही थी, इस दौरान विपक्षी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया।